हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मिनट फाइनेंस। सो आज की वीडियो के अंदर हम टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज़ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो इससे पहले आई हैव ऑलरेडी टॉट थ्री स्ट्रैटजीज, दिस इज़ द फोर्थ स्ट्रैटजी। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटजी है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो इट्स अ नाइस स्ट्रैटजी, तो इसको केयरफुली सुनना सो दैट यू गेट ईच एंड एवरी थिंग इन योर हेड। ठीक है, सो दिस इज़ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये पैटर्न बनता कैसे है, जैसे आपका ये नेक लाइन है, इसके नीचे देयर इज़ अ रिवर्स, जो शोल्डर होंगे वो छोटे होंगे और जो हेड होगा वो बड़ा होगा। सो दिस इज़ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज़। और अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो ये आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता, तो थोड़ा मीडियोकर रिजल्ट्स आते हैं इससे। वैसे हमें ये कंसिडर भी नहीं करना, तो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज इतने कुछ खास रिजल्ट आते नहीं है। वी विल गो फॉर समथिंग विच हैज़ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड उसके ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है प्राइस टू फॉल टू फॉर्म दिस पैटर्न, की प्राइस गिरेगा तभी ऐसा फॉर्मेशन होता है पैटर्न का। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। सो इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, जो नेक लाइन हमारी दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इज़ ये एप्लीकेबल होगा जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो विल बी अप्लाइड ऑन V40 एंड V40 नेक्स्ट, इस पे हम कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, नो स्टॉप लॉस। नेक्स्ट इज दैट देयर कैन बी मोर देन वन शोल्डर हो सकते हैं आइदर साइड पे, जैसे अब मैंने आपको ये बताया था, तो एक से ज़्यादा शोल्डर्स हो सकते हैं हेड के अलावा। सो ऐसी सिचुएशन में जब चीज़ें आती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो दिस यू कैन राइट डाउन कि देयर कैन बी मोर देन, एक से ज़्यादा शोल्डर हो सकते हैं, देयर कैन बी मोर देन वन शोल्डर, एक शोल्डर से ज़्यादा शोल्डर हो सकते हैं, और ऐसा कुछ होता है then in that case it is called complex head and shoulder pattern, complex head and shoulder pattern बोलते हैं उसको। ठीक है, so that is there, and एक साइड पर एक से ज़्यादा शोल्डर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, so that is there on one side, either side पर more than one shoulder हो सकते हैं, और depth जो होगी head की वो हमेशा ज़्यादा होगी। ये चीज़ you can note कि जो भी डेप्थ होगी ऑफ द हेड, हेड की जो भी डेप्थ होगी दैट विल बी मोर देन द शोल्डर, डेप्थ ऑफ द हेड शुड बी मोर देन द शोल्डर, मोर देन द शोल्डर। ठीक है, दैट इज़ देयर, एंड इफ देयर मोर शोल्डर देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि मैंने आपको बताया, इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है कि हैज़ टू बी मोर सिग्निफिकेंट जब नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और वो ज़्यादा रिलायबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब वो हॉरिजॉन्टल नेक लाइन पर बनता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिलायबल। और इसके अंदर हम नॉन लॉग चार्ट यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर बता दूंगी। साइड में एक लॉग फंक्शन आता है, उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, एंड देन वी विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो स्ट्रैटजी है तब हम अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स सी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी, जस्ट अ सेकेंड। या सो बाइंग कहाँ पे होगी, वो कंडीशंस यू कैन राइट डाउन कि जहाँ पे एट द ब्रेकआउट ऑफ द ग्रीन कैंडल, जैसे क्लोजिंग बेसिस पे, मैं आपको इस पे एक चार्ट पे दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे आप ये खोलते हो, रिलायंस का ही खोल लेते हैं, सो रिलायंस का इफ़ यू जस्ट सी
Just a second, yeah. So इसमें हम reverse head and shoulder pattern ढूंढते हैं पहले तो. So if you see this, एक ये pattern बन भी रहा है. I've already drawn also. So आपको दिख रहा है ये, it's reverse head and shoulder pattern. ये आपको दिख रहा है कि ये आपको दिख ही रहा है कि this is how it is forming reverse head and shoulder pattern. Just a second. So if I erase this, आपको थोड़ी क्लैरिटी के लिए, just a second, I'll just remove all the drawings. ठीक है, तो if I take the brush, और अगर आपको इसमें दिख रहा होगा कि what exactly is the head and shoulder pattern कैसा है, तो if you see, first let us draw the neckline. पहले neckline draw कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कैसा formation रहता है. सो अगर नेकलाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख रहा है कि दिस इज़ द नेकलाइन. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इट्स अ नेकलाइन विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, तो आप नेकलाइन जब आप ड्रॉ करेंगे यू विल गेट दिस. अब यहाँ से यू कैन सी कि कैसे फॉर्मेशन हो रही है इस पैटर्न की. तो आपको दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड. सो ये जो है हमारा नेक फॉर्म हो रहा है, सॉरी, नेक के साथ आपको शोल्डर दिख रहे हैं. दिस इज़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, आपको दिख रहा है ये, इट इज, दिस इज़ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज़. तो ऐसा आपको दिखेगा कुछ, ये शोल्डर हो गए एंड दिस इज़ हाउ द हेड इज़. फिर उसके बाद आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट कहाँ पर लेना है, जब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लेवल के बाद, इफ़ यू सी दिस, जब आपको दिखेगा ये पैटर्न, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी. सो जब आप ये खोलते हैं, व्हाट यू गेट इज, दिस इज़ हाउ यू गेट द पैटर्न. तो जब आपको ये एक कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, दैट्स द बेस. ठीक है, और उसके बाद जब ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी, वहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़. ठीक है, सो वैसा कुछ है, जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर इज़ अ कंसोलिडेशन फेज दैट्स गोइंग ऑन. ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी, वहाँ पर हम एंट्री लेंगे, सो दैट वी गेट मैक्सिमम पॉइंट्स. तो आप कहाँ पे एंट्री लेंगे, दैट आई हैव टोल्ड यू. बाकी आपको जैसे इफ़ यू सी कि कितने पॉइंट्स का आपको मिल जाता है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स आपको ऊपर मिल जाते हैं, दैट इज़ समथिंग जो कि हमारा कंसर्न है. जस्ट अ सेकेंड. सो इफ यू सी दिस, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कितना है परसेंटेज, जो कि कुछ एरर आ रहा है. जस्ट अ सेकेंड, इसको एक बार रिमूव करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो अगर आप यहाँ से हम परसेंटेज देखें कि कितना है फॉर्मेशन, तो यहाँ से आपने लिया और ये आपने ले लिया रेड कैंडल तक, कि आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, दैट इज, ये सही ले नहीं रहा. जस्ट अ सेकेंड, I should take a different tool. Just a second. तो हम ये वाला टूल ले लेते हैं instead of that. तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि कितना परसेंटेज बन रहा है. तो आपको दिख जाएगा कि कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे. You will be able to see 79.14%. ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है. डेज हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम जस्ट यूजिंग टू सी कि कितना परसेंटेज हमें मिल रहा है. बाकी आपको ये थोड़े टाइम में दिखेगा दैट यू कैन, यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट एट दिस पर्टिकुलर लेवल. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ द स्ट्रैटेजी गोज, कि आपका एग्जिट जो होगा दैट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द हेड, कि कितना दूर है, उसके बेसिस पे हम
एंट्री लेंगे. एंट्री कहाँ पे लेनी है? वहाँ पे जहाँ पे एक और फॉर्मेशन हो रही है शोल्डर की, एंड शोल्डर जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है. कंसोलिडेशन के बाद जैसे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है वहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और वील कीप आर टारगेट विच इज़ द डेप्थ ऑफ द हेड. वहाँ पे हम एंट्री लेंगे, एंड इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही होगा. ये जो हमारा जो आपको परसेंटेज मिलेगा दैट वोंट बी 44%, वो उससे ज़्यादा होगा बिकॉज हमने एंट्री बहुत पहले ले लिया है. सो दैट इज़ हाउ दिस दिस थिंग स्ट्रैटजी इज़ इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, सो इसमें मैंने आपको बता दी हैं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, कि बाइंग कहाँ पे करनी है, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, दैट बी द क्लोजिंग बेस, वो बेस फॉर्मेशन हो जाएगी, और होगा कहाँ पर? राइट शोल्डर पे होगा. ठीक है, सो दैट इज़ मस्ट, एंड वी विल डू दिस फर्स्ट शोल्डर इटसेल्फ पे हम देख लेंगे कि कहाँ पे हो रहा है, एंड दैट बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हेड. ठीक है, एंड बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट शोल्डर पे स्टार्ट हो जाएगा ये. राइट शोल्डर जो है वहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेगी ग्रीन कैंडल से, जैसे बेस फॉर्म होगा कंसोलिडेशन के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे. एंड बाइंग कैन बी डन आइदर उसी दिन कर सकते हो, एंड इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट डे लो, इन द मॉर्निंग आप एंट्री ले सकते हो. बट इस चीज़ में यह है कि आप इग्नोर कर सकते हो विग्स और रेड कैंडल बॉडी को जब वो क्रॉस कर रही हो. इसमें यह चीज़ है कि जहाँ पे ग्रीन कलर की जो कैंडल बनेगी वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, और जो आपका टेक्निकल टारगेट होगा वो लोअर होगा लाइफ टाइम हाई से. वी विल सेल एट अ लाइफ टाइम हाई पे सेल करेंगे, टेक्निकल टारगेट पे नहीं सेट करेंगे. अब जैसे टेक्निकल टारगेट हमारा यहाँ पे इस केस में क्या था, जैसे आपने इस केस में हमने देखा टेक्निकल टारगेट आपका 44% पे फॉल कर रहा था. जस्ट अ सेकेंड, 44% पे फॉल कर रहा था. हम एग्ज़िट कहाँ पे लेंगे? जहाँ पे स्टॉक का ऑल टाइम हाई होगा, उसके ऑल टाइम हाई पे हम एग्ज़िट लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे. हाउएवर अगर टेक्निकल टारगेट ज़्यादा बड़ा है लाइफ टाइम से, तो उस केस में हम टेक्निकल टारगेट पे ही एग्ज़िट करेंगे. सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रैटजीज अप्लाइड. आई होप आपको अच्छे से पूरी स्ट्रैटजी समझ में आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.